एशिया कप पाकिस्तान से लगभग श्रीलंका शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान से एशिया कप दूसरे देश में कराने को लेकर पीसीबी के चेयरमैन नजम सेट्टी का बुरा हाल है। नजम सेट्टी का पैतरा देख लग रहा है, इस साल एशिया कप रद्द ही ना करना पड़े। आपको बता दें कि इस साल एशिया कप पाकिस्तान में होने थे, लेकिन भारत के ना जाने के कारण पीसीबी के एशिया कप का होश छीन सकता है। वहीं एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जैसा का साफ कहना है कि भारत पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगा। वहीं हाल ही में श्रीलंका और बांग्लादेश बोर्ड ने भी पाकिस्तान जाने से साफ मना कर दिया। वहीं एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जैसा ने इस साल एशिया कप श्रीलंका में कराने की बात चल रही है, वहीं पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा है। पीसीबी के चेयरमैन नजम सेट्टी ने भारत के मैचों का हाइब्रिड मॉडल पर कराने के लिए दुबई में बात चल रही थी। वहीं पाकिस्तान के सभी मैच पाकिस्तान में अदर टीमों के साथ पाकिस्तान में ही कराना चाहते थे, लेकिन बीसीसीआई ने नजम सेट्टी के इस प्रस्ताव को साफ इनकार कर दिया। इसी के साथ श्रीलंका और बांग्लादेश ने भी एशिया कप को पाकिस्तान से बाहर कराने की बात बीसीसीआई से करने लगे। आपको बता दें इस साल एशिया कप सितंबर में होना है। आपको बता दें एशिया कप के लिए यूएई ने भी प्रस्ताव बीसीसीआई को भेजा है। वहीं बीसीसीआई की पहली पसंद एशिया कप कराने की श्रीलंका में है। आपको बता दें पिछले साल भी एशिया कप श्रीलंका में ही होने थे, लेकिन श्रीलंका फाइनेंशियल सपोर्ट ना होने के कारण पिछले साल एशिया कप दुबई में कराया गया था। इस साल से बीसीसीआई चाहती है एशिया कप पाकिस्तान के स्थान पर श्रीलंका को होस्ट दिया जाए। वहीं पीसीबी के चेयरमैन नजम सेट्टी चाहते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया कप पाकिस्तान में हो, चाहे भारत अपना मैच यूएई में ही खेल ले। अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान की दूसरी पसंद यह है कि पूरा मैच श्रीलंका के बजाय पिछले साल की तरह दुबई में कराया जाए। अब देखना यह होगा कि बीसीसीआई का यह निर्णय क्या लेती है। वहीं नजम सेट्टी ने यहां तक कह दिया है कि अगर एशिया कप पाकिस्तान के बाद एशिया कप यूएई में नहीं होता है तो पाकिस्तान एशिया कप नहीं खेलने जाएगा, पाकिस्तान इसका विरोध करेगा। तो देखना होगा कि इस साल एशिया कप कहां होगा और पाकिस्तान इसका हिस्सा बनती है या नहीं।